नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमिता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमितास किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी, आपका मन करता है कि कुछ खाना नहीं बनाने का मन कर रहा और चाहते हैं कि अगर बनाएं भी तो कुछ ऐसा बनाएं जो इंस्टेंट बन जाए और टेस्टी भी हो। तो उसी लिए मैं आज आपके लिए मेन कोर्स की रेसिपी में लेके आई हूँ दही वाले आलू, जो फटाफट बन जाते हैं, टाइम भी नहीं लेते हैं और बनते भी बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। तो चलिए मैं आज आपको दही वाले आलू की रेसिपी बताना स्टार्ट करती हूँ। और उससे पहले, आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और आपको कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब हम बनाते हैं दही वाले आलू। दही वाले आलू बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम्स अप्रॉक्स आलू लिए हैं और देखिए मेरे आलू काफ़ी छोटे साइज के थे, उसके बाद मैंने उसके दो दो टुकड़े कर दिए। अगर आपका मीडियम साइज का आलू है तो आप उसके चार टुकड़े कर लीजिए और छील के उसको पानी में भिगो के रख दीजिएगा। इसको हम साइड में रख देंगे और उसके बाद चलिए हम दही वाले आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, दही वाले आलू भी दो तरह से बनते हैं, बिना प्याज की ग्रेवी बनती है और एक प्याज वाली बनती है। तो आज मैं आपको प्याज वाली बताने जा रही हूँ, वो बिना प्याज वाले भी मैं आपको आगे चल के ज़रूर बताऊँगी। इसके लिए देखिए मैंने गैस ऑन कर लिया, एक पैन लिया है, इसमें सबसे पहले हमने ऑयल डालना है अपनी चॉइस का। तो मैं देसी घी में बना रही हूँ, तो मैंने देखिए अराउंड ज़्यादा नहीं डालना, एक टेबल स्पून भर के हम डालेंगे ऑयल, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक इंच कटा हुआ फाइनली चॉप अदरक का टुकड़ा। इसके बाद हमें डालना है इसमें एक टी स्पून अराउंड साबुत जीरा। इसको हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे जीरा, जिससे कि भुन जाए अच्छे से घी में। जीरा भुनना बहुत ज़रूरी है, कच्चा रहता है ना अगर ठीक से हुआ नहीं घी में, वो बाद में मुंह में आता है और अजीब सा लगता है। इसके बाद हमें डालना है एक मीडियम साइज का प्याज फाइनली चॉप, इसमें डाल देंगे हम इसको, हम सॉटे कर लेंगे इसको। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, कोई हमें कई बार होता है ना कि सब्जी का कलर लाने के लिए आपको प्याज का कलर अच्छे से ब्राउन करना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है, हल्का सा पिंक ब्राउन हम इसमें करेंगे। चलिए इसको अराउंड हम एक मिनट तो इसको अच्छे से चलिए भून लेते हैं। प्याज मैंने देखिए स्लो फ्लेम पे रखी है और इधर हम दही तैयार कर लेते हैं। मैंने अराउंड 1.5 से 2 कप आपको दही लेना है, आप कितना लेना चाहते हैं आपकी चॉइस है, पर ये ध्यान रखिएगा कि दही खट्टा ना हो, फ्रेश दही होना चाहिए। अगर वो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन पुराना दही हो, खटास नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये देखिए 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डालेंगे हम इसमें, और इसके बाद 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, अराउंड 1 टीस्पून भर के सॉल्ट डाल देंगे, और इसके बाद डालना है हमने देखिए 1/2 टीस्पून अराउंड भुना हुआ जीरा डालेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। ये देखिए हमने इसको डालना है, उधर प्याज मेरे मैंने स्लो फ्लेम पे रखे हुए हैं, ये देखिए इसको विस्कर से कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालना है इसमें, एक चीज हमारी रह गई है, हम डालेंगे अराउंड ज़्यादा नहीं 1/2 टीस्पून से भी कम थोड़ी सी हमने डालना है हल्दी पाउडर, और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, बस 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालना। और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, नहीं अच्छे से कर लेना है कि बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया इसमें। अब चलिए अब हम उधर प्याज को देखते हैं कि हमारे प्याज कितने हुए, देखिए ये हमारा फर्स्ट क्लास अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं। चलिए अब हम प्याज को देखते हैं, प्याज भी लगभग हमारे होने लगे हैं, देखिए हमारे प्याज लगभग बिल्कुल होने वाले हैं, इसको 2 मिनट लगा है, बिल्कुल हल्का सा और हो जाए 30 सेकेंड्स, बस इतना हमने प्याज को करना है। ये देखिए हल्का हल्का सा वो होने लगा है कलर चेंज प्याज का, इसको अब हम 30 सेकेंड्स हमने और करना है इसको। इसके बाद हम देखिए इसमें डाल देंगे, ये मैंने 2 ग्रीन चिलीज काटी हुई है, ये बहुत कड़वी नहीं है मेरी मिर्ची, इसलिए मैंने 2 डाली है,
और दूसरा हमने मिर्च की जगह कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है, तो वो आपको पता है उसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसलिए मैं ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ। अगर आपको डालना है तो आपको कम डालनी है तो आप एक ग्रीन चिली डाल लीजिएगा, अगर ज़्यादा तीखी है तो। देखिए अब हमारे बिल्कुल प्याज हो गए हैं, अब टाइम पे हम कर देंगे गैस बंद, क्योंकि हमें गरम अगर तेल में या मसाले में दही डालेंगे तो वो जनरली फट जाता है, तो हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए हम एक मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे मसाले को, थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ज़्यादा ना हो इसको थोड़ी देर के लिए, इसके बाद हम गैस बंद करके एक मिनट के लिए छोड़ देते, उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे मसाला। एक मिनट हो गया है, ठंडा हो गया है, अब हमने इसमें ये दही वाला मसाला था ये इसमें हम डाल देंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से एक बारी हिला लेंगे, मसाला मिक्स कर लेंगे ये इस तरीके से, एक बार सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मसाला अच्छे से मिक्स हो गया और मैंने गैस ऑन कर दी है और इसको हमने स्लो फ्लेम पे ही पकाना है और इसको अब हम इसके बाद स्टिर भी करते रहिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि दही फटना नहीं चाहिए, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा इसमें, क्योंकि एक तो मसाला वगैरह भी डल गया है इसमें, फटेगा नहीं और मैंने गैस भी ऑफ कर दी थी उस समय। और चलिए अब हम इसको पीछे रख देते हैं, ये ग्रेवी होती रहेगी हमारी और साथ साथ हम इसको स्टिर करते रहेंगे बीच बीच में। चलिए अब हम आलू भी डालने के लिए तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने आलू का पानी बिल्कुल निकाल लिया, इसको स्ट्रेन कर लिया है अच्छे से कि इसमें पानी ना रहे, कोशिश करेंगे पानी सूख जाए पूरा। और इधर उसके बाद हमने देखिए हमने यहाँ पैन में ये देखिए मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, हम आलू को फ्राई करके डालेंगे। आप चाहें तो हल्का सा बॉईल करके भी डाल सकते हैं, पर आज इसमें मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ इसमें हम इसको फ्राई करेंगे आलू को। तो मैंने पैन में ऑयल रख दिया है, मैं बताती हूँ कि कैसे फ्राई करना है आपको। ग्रेवी को मैंने स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है और मैं उसको कंटिन्यूसली स्टिर करती जा रही हूँ, उसको छोड़ना नहीं और स्लो फ्लेम पे ही करना है। इधर देखिए हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, एक बार ऑयल हमें गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, उसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम पे कर देंगे। आलू भी हमने मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही पकाने हैं क्योंकि वो अंदर से भी पक जाए। गर्म हो गया है, मैंने अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर दिया और धीरे धीरे आलू डालेंगे। इस टाइम पे हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करनी है ज़रा सा, इसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसको एक मिनट के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे करके आलूओं को पकाएंगे, क्योंकि इस समय ऑयल गर्म है एकदम से। ऑयल अगर हाई मीडियम फ्लेम पे भी होगा तो बाहर से आलू बिल्कुल ब्राउन होने लग जाएंगे पिंक टाइप के, पर हमें उनको अंदर तक पकाना है तो हम एक मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कर देते हैं। एक मिनट के बाद हम उनको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और अच्छे से पका लेंगे, इनको फ्राई कर लेंगे। और हम उधर आलू अच्छे से स्टिर करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, ग्रेवी को थोड़ा सा हमने थिक करना है। तो चलिए एक मिनट के लिए हम इसको कर लेते हैं आलू को, फिर चेक करते हैं। एक मिनट हो गया है, अब हम आलू को देखिए हमने स्लो फ्लेम पे किया हुआ था, अब हम इसको कर देंगे मीडियम फ्लेम पे, हाई पे बिल्कुल मत करिएगा इसको, हमें मीडियम फ्लेम पे करना है आलू को। और इधर मेरे ग्रेवी को 7-8 मिनट हो गया, अब इस टाइम पे मैंने बंद कर देती हूँ गैस ग्रेवी की, बस मैंने इसको थोड़ा थोड़ा अभी ठंडा होने तक, फिर भी हम इसको एक दो बार बीच में हिला लेंगे ग्रेवी को। और ये हमारी ग्रेवी लगभग बिल्कुल तैयार हो गई है, अब हम उसमें आलू डालेंगे। और ये देखिए अभी हम देख रहे हैं हमने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है, अभी ये देखिए अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये मीडियम फ्लेम पे भी एक मिनट हो गया है, हम इसको देखते हैं, अभी भी आलू हमारे हुए नहीं है, अभी भी इसको एक मिनट हम और करते हैं और मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे हम आलू।
हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए अब हम इसको एक मिनट और फ्राई कर लेते हैं। और अगर फ्रेंड्स, अगर आप गार्लिक खाते हैं ना, जब मैंने जिंजर डाला था उस समय आप अराउंड हाफ टी स्पून गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको गार्लिक डालने हैं तो। ये देखिए इसको अच्छे से, एक चलिए एक मिनट हम टोटल और कर लेते हैं इनको। देखिए आलू हमारे लगभग होने लगे हैं बिल्कुल। अब इस समय थोड़ा सा मैं हाई फ्लेम पे करूँगी अराउंड 30 सेकेंड्स के लिए। इसको 30 सेकेंड्स अब हम हाई फ्लेम पे कर लेंगे, जो बाहर से हल्का सा कलर आ जाए इसका आलूओं का। आलू हमने अराउंड पूरे, मतलब समझ लीजिए, इसमें कुक कर लेने हैं, क्योंकि ग्रेवी दही की बनी हुई है तो उसको हम ग्रेवी के साथ आलू को ज़्यादा नहीं पका पाएंगे, तो इसलिए हमें भी कोशिश रहेगी कि हम आलू को पूरा ही कुक कर लें। इसीलिए मैंने बोला ना आपको कि एक मिनट स्लो फ्लेम पे, एक मिनट हाई मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे हम गैस बंद करके इन आलू को बाहर निकाल लेते हैं। गैस बंद कर दी, आलू भी अब हम निकाल लेते हैं। सारे आलू को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए आलू कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं आलू सारे। ये देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। इसमें हमने डाल देना ये वाले आलू। अब इसके एक दो इंग्रेडिएंट्स बचे हैं जो इनसे इनका टेस्ट बिल्कुल दुगना हो जाता है, चलिए अब वो डाल लेते हैं हम लोग। वो बहुत ही इसके टेस्ट को इसमें हमने डाला है। इस टाइम पे 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें डालना है सौंफ का पाउडर। ये देखिए, ये देखिए इसको हम हिला लेंगे। सौंफ का पाउडर बाद में डाल दिएगा, मेरा ये भुना हुआ सौंफ का पाउडर मैं बना के रखती हूँ। अब हमने इसको ज़्यादा नहीं करना, ये आलू अभी पानी, देखिए इसकी जो ग्रेवी है दिख रहा है, ये अभी काफ़ी आलू सोक कर लेंगे। अब इस समय हमने क्या डाला, हींग डाली और इसमें डाला सौंफ का, भुनी हुए सौंफ का पाउडर। इसको अब हमने एक मिनट के लिए एक उबाला दे लेना है, इसके बाद बाकी चीज़ें भी चलिए अब हम डालते हैं। देखिए इसमें एक उबाला सा आ गया है, इसको स्लो फ्लेम पे रखना है। इस टाइम पे इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और डालेंगे। देखिए इसको फिर आप टेस्ट भी कर लीजिएगा, इसमें आप देखिए दही है, खट्टास होती है ज़्यादा, तो सारे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं 1/4 टीस्पून इसमें डालती हूँ शुगर, तो आप ये शुगर भी डाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत परफेक्ट टेस्ट कर देती है आपकी ग्रेवी का, खट्टा मीठा सब कुछ है। और इसमें ना जब मैं बंद कर रही थी ढक्कन, तो मैंने थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर डाल दिया था। मुझे बेसिकली बहुत पसंद है कि ग्रेवी में अच्छे से उसका फ्लेवर आ जाए, तो थोड़ा सा हरा धनिया मैं डाल चुकी हूँ इसमें, थोड़ा सा काट के इसमें डाल दीजिएगा, बॉयल होने से पहले डाला था। अब ये सब कुछ मैंने देखिए डाल दिया है हमारा। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद अब हमारा, देखिए हम इसको चेक करते हैं, इसकी ग्रेवी भी थिक हो जाएगी, आप देखिएगा चेक करिएगा पड़े पड़े, और क्योंकि आलू भी सोक कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रेवी, तो चलिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं 10 से 15 मिनट में। देखिए 10 से 15 मिनट हो गया, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे परफेक्ट ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल रेडी हो गए हैं हमारे दही वाले आलू। बाकी इसको आप टेस्ट कर लीजिएगा, आपको जो चीज़ थोड़ी सी कम ज़्यादा लग रही हो आपके टेस्ट के हिसाब से, नमक या मिर्ची, बाकी सब तो परफेक्ट होगा। स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो एक ग्रीन चिली और डाल लीजिएगा, क्योंकि उसका फ्लेवर तो अलग ही होता है। और अगर आपको सॉल्ट कम लग रहा हो तो आप वो सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा, बाकी इसका टेस्ट परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। ग्रेवी पड़े पड़े हल्की, ज़्यादा थिक नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं है थिक करने के लिए, एक ही छोटा प्याज डाला है। तो हम इसको बस अब 10 से 15 मिनट में सर्व कर देते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मेरे दही वाले आलू बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। आप देख के आपको कितने लग रहा होगा, कितने यमी बने हैं और बने भी बहुत ही यमी हैं। आप इसको बनाइए और ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसे बने ये दही वाले आलू, और ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा प्लीज़। और मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, मेरे बाकी के वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।